वेलकम टू कम्युनिटी डिबेट। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा सादिया। जब हम कम्युनिटी डिबेट की बात करते हैं तो हम खास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेके उसके मुतल्लिक बातचीत करते हैं। हमारे पास हमेशा कोई ना कोई एक मुद्दा मौजूद होता है जिसको लेके हम गुफ्तगू करते हैं, उसके कुछ डार्क पॉइंट्स देखते हैं और फिर उसका कुछ सोल्यूशन भी देखने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स गए, दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गईं और एक अपर चैम्बर के लिए गईं। तो उसके बाद पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत बदला और उसके बाद अब फिर अगर हम देखें तो सिनेरियो बहुत चेंज है। आज हम इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी में मीडिया का क्या किरदार है, क्या मीडिया वो किरदार निभा रहा है या उसको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। कैनेडियन सोसाइटी में रहते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी अपनी बिगर कम्युनिटी में किस तरह इंटीग्रेटेड है और किस तरह अपना शेयर अदा कर रही है, इन सब बातों पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इरफान मलिक साहब और उनके साथ मौजूद हैं ताहिर असलम गोरा। दोनों ही जर्नलिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। बहुत गहरी नज़र रखते हैं कम्युनिटी के मसाइल पर और उनके कुछ सॉल्यूशंस भी रखते हैं। जी इरफान साहब, आपसे बात शुरू करूँगी। बड़ी मेहरबानी जी। आप मीडिया के बंदे हैं और मीडिया जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ वहाँ आप भी मौजूद हैं। मीडिया के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? पहली बात तो है कि जब भी मैं आपके पास प्रोग्राम में आता हूँ तो एक तासर ये होता है और ये हकीकत है कि बड़ी पढ़ी लिखी बात होती है। बेसिक कहने का मेरा मकसद ये है कि हम अपने दिल की बात कर सकते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तानी मीडिया का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो एथनिक मीडिया की आप बात कर रही हूँ। आज से 10-12 साल पहले तो कुछ चंद बंदे थे जो ताहिर भाई थे, जिस तरह कैनेडा TV1 कैनेडा था, इस तरह 2-4 और बंदे करते थे। अब ये सूरत हाल ये है कि मीडिया को एथनिक मीडिया की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, थैंक्स टू फेसबुक, सोशल मीडिया, सारा कुछ हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि जितने लोग, जितनी अवेयरनेस आप कम्युनिटी को देंगे मुख्तलिफ जगह से जाके, वो उतनी ही कम्युनिटी के लिए बेहतर होगी और उतनी ही कम्युनिटी वाले कुछ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका देखें, जहाँ हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू है, जिस तरह ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तमाम लोगों की मैं तारीफ करता हूँ। कुछ नए लोग भी आए, कुछ पुराने भी आए, कुछ चैनल पुराने हो गए, कुछ नए हो गए, कुछ रोज़ नए बन रहे हैं, दैट्स ओके। अगर आपने अवेयरनेस देनी है तो आउटलेट्स जितने भी हों बेहतर होते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात मैं अपने दिल की ये करना चाहूँगा जी कि अवेयरनेस की जहाँ तक बात है ना, तो अवेयरनेस मेरा नहीं ख्याल कि हम कंप्लीट अवेयरनेस अवाम को, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी, कैनेडियन कम्युनिटी को दे रहे हैं। मकसद एक बात है कि जिस तरह हम जब कैनेडियन वैल्यूज़ की बात आती है तो हम थोड़ा सा, बहुत सारे मीडिया के लोग मैंने देखा है कि पीछे हट जाते हैं कि जी वो समझते हैं कि कैनेडियन वैल्यूज़ पता नहीं शायद पाकिस्तानी कम्युनिटी को पसंद ना आए, लेकिन उस पर अवेयरनेस नहीं होती। ज़्यादातर हमारे जो इंटरव्यू शोज़ होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जी आप क्या करते रहे, आप कब कैनेडा आए, आपने क्या किया, आपका बिज़नेस क्या है, हो सकता है वो कारोबारी मजबूरियाँ हों। लेकिन जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा जितनी देनी चाहिए कैनेडा के बारे में, कैनेडियन वैल्यूज़ के बारे में, कैनेडा जो हम रहते हैं उनके बारे में, और सबसे जो सॉरी एक बात करने लगा हूँ कि, और दिल की बात हमेशा मैं करता हूँ आपके प्रोग्राम में, कि हमारी जो यंग जनरेशन है ना, इसको तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मीडिया का कोई सोर्स जो है इनको अवेयरनेस दे रहा है अंग्रेज़ी, क्योंकि वो उर्दू बेचारे समझते नहीं हैं हमारे बच्चे। हम उनको ज़बरदस्ती उर्दू भी सिखाना चाह रहे हैं, हम अरबी भी सिखाना चाह रहे हैं, हम इंग्लिश भी सिखाना चाह रहे हैं, 3 लैंग्वेजेस में हमने फंसाया हुआ है। स्कूल में कुछ मॉल देखते हैं, घर में आके हम उनको किसी और मॉल में ढालना चाहते हैं। तो जो यंग जनरेशन है, जो मेरे बच्चे जो हैं या उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये अफसोस से कहूँगा कि आई डोंट थिंक कि उनको कंप्लीट अवेयरनेस दी जा सकती है। उसकी शायद वजह ये भी हो सकती है कि इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम बहुत कम इन चैनल्स पे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और शायद उसकी वजह ये है कि मेरी जनरेशन के लोग जो हैं वो, उनको चूँकि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है इंग्लिश सुनने में भी और बोलने में भी, और ये ढकी छुपी बात नहीं है, हकीकत है।
इसलिए वो हम कहते हैं कि जब भी कोई इंग्लिश का प्रोग्राम आता है तो हम चैनल बदलने की बात करते हैं कि यार उर्दू का देखें, लेकिन हमारा जो बच्चा बैठा होता है उसको तो उर्दू की समझ नहीं आ रही होती, वो तो ही वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग इन इंग्लिश। उसके लिए आप अगर पाकिस्तान की भी बात करनी है, इस्लाम की बात करनी है, कनाडा की बात करनी है, तो फिर इंग्लिश के प्रोग्राम तो होने चाहिए ना। ये थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन हर चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ा टूल है। कम्युनिकेशन मीडिया हो, आपका पॉलिटिकल सिनेरियो हो, आपकी सोसाइटी हो, उसके बारे में जुड़े रहने के लिए ज़ुबान पहली शर्त है। अब ताहिर गुरा आपकी तरफ आती हूँ, जब हम बात करते हैं मीडिया की, तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल कम्युनिटीज़ के दरमियान में इंटीग्रेशन करना होता है, तो क्या हमारा मीडिया जो है वो इस वक्त इस जगह पे खड़ा है कि जहाँ पे वो एज अ कम्युनिटी मीडिया लार्जर कम्युनिटी के मसाइल को हैंडल कर सकता है? देखिए जो मीडिया की बात है, पहली बात ये कि मलिक साहब की मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि पर्टिकुलरली जो कम्युनिटी मीडिया है उसका बढ़ना ग्रो करना एक खुशाइन बात है, उसकी वजह से वो कनेक्टिविटी रहती है। अब मैं बराह रास्त वो उस बात की तरफ आता हूँ जिसका आपने इशारा किया कि क्या वो इंटेग्रेट कर रहा है। मैं इसको कहता हूँ कि मीडिया का एक रोल इम्पॉर्टेंट है ब्रिजिंग करना, यानी जो मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनको अपने मीडिया के ज़रिए कम्युनिटी के साथ, जब कम्युनिटी का वर्ड आता है तो मैं उसमें डायस्पोरा ज़्यादा मुझे अच्छा लफ्ज़ लगता है, चूँकि मेरे नज़दीक कम्युनिटी ओवरऑल कम्युनिटी है, डायस्पोरा के साथ, किसी भी सर्टन डायस्पोरा के साथ कनेक्ट करना, और इसी तरह सर्टन डायस्पोरा को मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करना। और मलिक साहब ने जो बात की और आप जो बात कर रही हैं उसमें वाकई वो ज़ुबान का बड़ा अहम रोल है। हमारे जो बच्चे हैं उनका सिर्फ ये ज़ुबान का ही मामला नहीं होता, वो सेंसिबिलिटी का भी मामला होता है। जो कैनेडियन सेंसिबिलिटी या कैनेडियन एक एनवायरनमेंट है, वो हमारे हद तक के अंग्रेज़ी प्रोग्राम्स जो हमारे एथनिक मीडिया पे, ख़ासतौर पर साउथ एशियन एथनिक मीडिया या पाकिस्तानी एथनिक मीडिया पर जो होते हैं डिस्कस, वो इंग्लिश में डिस्कस होने के बावजूद भी उनको रिलेट नहीं कर पाते, वो समझ तो रहे होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि उनकी सेंसिबिलिटीज़ के हवाले से भी प्रोग्राम लाए जाएँ, वो प्रोग्राम फिर बनेंगे कैनेडियन और साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल वो उसका एक फ्यूजन सा बनेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस बात की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल जितना मीडिया बढ़ेगा उतना ही खुशाइन बात है, चाहे मीडिया के एक दूसरे से इख्तलाफात आइडियोलॉजिकल लेवल पे हों, वो भी बड़ी सेहत अफजा बात होती है, क्योंकि इत्तफाकात से आप इतना नहीं आगे जाते जितना एक दूसरे से डिफर करके आगे जाते हैं, बशर्ते कि उसमें रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की। तो बहरहाल इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि मीडिया हाउसेस, चाहे छोटी सतह के हों चाहे दरमियानी लेवल के हों, उनका ग्रो करना एक खुशाइन बात है। पिछले दिनों एक जगह बात हो रही थी तो एक बच्चे ने बीच में से हाथ खड़ा किया, तो मैंने कहा जी यू टेल अस व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ही सेड यू नो व्हाट माय सॉल्यूशन इज व्हेन माय मॉम मेक्स नॉनसेंस एनी नॉनसेंस एग्जाम्पल आई सेज इट्स माई मामाज फिलासफी। तो क्या आप समझते हैं कि जो मामाज फिलासफी है वो बहुत बड़ा रीज़न है हमारे बच्चों का मीडिया के साथ वो चीज़ें ना समझ पाने का और ना आगे बढ़ने का, क्योंकि बड़े ये समझते हैं कि हमारी फिलासफी एंड ऑफ द वर्ल्ड है? मुझसे पूछ रही जी है? अच्छा जी, मैं पहले तो ताहिर भाई की एक बहुत अच्छी, इन्होंने दो तीन बातें की, मैं अगर मुख्तसर, एक तो इंटीग्रेशन की इन्होंने बात की, अनफॉर्चुनेटली एथनिक मीडिया बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है यकीनन पाकिस्तानी विद इन पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी के अंदर, लेकिन मैंने ये देखा है कि इंटीग्रेशन जो है वो दूसरी कम्युनिटी से, जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारी लार्जर कम्युनिटी कैनेडा है, उसमें भी आगे सेक्शंस हो जाते हैं, कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स भी अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है कि आप जो है ना करें, और बहुत सारे मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करते हैं। इंटीग्रेशन का जहाँ तक मसला है, इंटीग्रेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा एथनिक चैनल से, बहुत कम एथनिक चैनल पे प्रोग्राम होते हैं। मसलन आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई कॉप्टिक कम्युनिटी का बंदा आके पाकिस्तानी चैनल पे आके इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाए, और चलें वो छोड़ दें, रिलीजन एक साइड पे कर दें। आपने ये भी नहीं देखा होगा कि अरब कम्युनिटी का कोई बंदा कोई इंडियन कम्युनिटी का कोई मुसलमान ही समझ लें, या दूसरी टर्किश समझ लें, या कोई जो बहुत सारी चाइनीज समझ लें, वो आके प्रमोट कर रहा हो। नंबर दो बात जो इन्होंने ताहिर भाई की, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ
कि जब तक यंग बंदे, यंग जनरेशन चैनल इस एथनिक चैनल पे आके इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं करेंगे, वो इंटरेक्शन नहीं होगा। एक यंग बंदे की बात यंग बंदा ही सुनेगा कि व्हाट ही इज सेइंग। इसकी बेहतरीन मिसाल मैं देता हूँ कि अगर एक बंदे ने सूट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, वेल ड्रेस्ड है और वो इस्लाम पे बात कर रहा है ना, तो लोग, बच्चे जो हैं, बड़े गौर से उसकी बात सुनेंगे। एक मेरे जैसा बंदा जिसने दाढ़ी रखी है, ठीक है, वो भी इस्लामी है, बड़ा मुनासिब लिबास भी पहना हुआ है, वो कहेंगे यार ये मौलवी साहब पता नहीं क्या कह रही है। सो डिफरेंस इज देयर। जहाँ तक अब आपके अपने सवाल का तालक है, ये है कि दरअसल मेरा सवाल इसी कॉन्टेक्स्ट में था कि बच्चों की रियलिटी फ़र्क है जी। तो हम बड़े जो हैं, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, वो इंटीग्रेटेड हैं ही नहीं खुद, वो अपनी फिलॉसफीज देते हैं और वो कहते हैं कि यही ठीक है। देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ और मेरी बात से कुछ लोग बुरा भी मनाते हैं कि ये कैनेडा है, यहाँ आपको कैनेडियन बन के ग्रो करना, मामाज़ फिलॉसफी यहाँ नहीं चलेगी। आई एम सॉरी टू से, मामा का काम ये है कि अपने बच्चे की तरबियत, तालीम व तरबियत पे गौर करे। जिस माशरे में हम रह रहे हैं, हम कैनेडियन माशरे में रह रहे हैं, तो मामाज़ फिलॉसफी ये है कि उसकी हाईएस्ट लेवल तक एजुकेशन हो, उसको ड्रेस प्रॉपर मिले, उसको फूड प्रॉपर मिले, कैनेडियन स्टाइल की फूड मिले या हलाल फूड मिले, जिस तरह भी है। लेकिन अगर उसके जहन में ये फिलॉसफी डालनी है कि जी हमारी ये कदरें ही हैं कि माँ के आगे नहीं बोलना, बाप के आगे नहीं बोलना, वो मामू आ रहा है, वो चाचा आ रहा है, उसको सलाम करो, ये मामा फिलॉसफी है, आई एम सॉरी। मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ कि मैंने कहा यार वो चाचे से फ़ोन पे बात कर लो, तो मुझे कहते हैं यार आपके भाई हैं, आप खुद क्यों नहीं बात करते, मुझे हमें क्यों कह रहे हैं। सो मेरी मामाज फिलॉसफी मानने के लिए बच्चे तैयार नहीं। तो ताहिर, आप इस सिलसिले में क्या समझते हैं कि इंटीग्रेशन के लिए कल्चरल वैल्यूज़ का सेम होना बहुत ज़रूरी है? यानी आप जिस माशरे में रह रहे हैं उसकी सिविक सेंस आपके अंदर बहुत डीप हो तो फिर बच्चा उसको समझता है। बच्चा वो सिविक सेंस स्कूल से लाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर स्कूलों में सिस्टम बहुत चैलेंज हो रहा है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। आप क्या राय देंगे? नहीं देखिए, बात यह है कि जो हम लोग हैं, हमारी जनरेशन के लोग जो माइग्रेट करके कनाडा आते हैं, चाहे वो किसी भी ईस्टर्न कंट्री या मिडल ईस्टर्न कंट्री से आए हों, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हो, तो हमारा एक अपना सोचने का अंदाज़ होता है। लेकिन जब हमारे बच्चे यहाँ पे कैनेडियन स्कूल्स में जाते हैं तो वो कैनेडियन जो सोचने का अंदाज़ है, जो माशरे का एट लार्ज अंदाज़ है, वो उसमें अपने आप को इंटेग्रेट कर चुके होते हैं। चूँकि बच्चा जो होता है ना, कलर ब्लाइंड होता है, बच्चा बहुत जल्दी उस माहौल में रंगा जाता है। अब हमारी ये ख्वाहिश होती है कि मिसाल के तौर पर कि जी बच्चे रात को जब ज़रा बड़े हो जाएं, हाई स्कूल में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, जी बच्चे रात को पार्टियों पे ना जाएं, फॉर इंस्टेंस, ये होता है, प्रेशर होता है। फिर इस तरह का प्रेशर होता है जी कि बच्चे जो हैं वो अपनी अलग थलग जो है ना दोस्तों का ग्रुप रखें, वो कैनेडियंस जो कोट अन कोट वाइट जो लोग, उनके साथ ज़रा कम रहें। उनके बारे में हमने एक हमारी जनरेशन ने परसेप्शन बना के रखा होता है कि वो कुछ शायद उनके जो हमारी वैल्यूज़ के मुताबिक उनके जो करेक्टर्स हैं कोट अन कोट वो ठीक नहीं है, वो डेटिंग करते हैं या ड्रिंक कर लेते हैं। अच्छा, ये वो बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। मेरे ख्याल इस पर वक्त आ गया कि हम खुल के बात करें। हम अगर बात नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बात तो करेंगे ही, वो तो आपस में अपने माहौल के मुताबिक ज़िंदगी को आगे लेकर जाएंगे ही। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम उनको ज़रा दबका दिया, उनको समझा दिया तो ये बात ख़त्म होगी, ऐसा नहीं चल सकता। देखिए कैनेडा एक ऐसा समाज है जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स पे चलता है, जो मतलब मैं इसको वेस्टर्नर वैल्यूज़ नहीं कहता, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ ये हैं कि भाई इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम होगी, बच्चा अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम के मुताबिक चलेगा। हाँ, उसकी वो अपने पेरेंट्स से, यानी हमसे, अगर कोई सिख फैमिली है या मुस्लिम फैमिली है या हिंदू फैमिली है या आप कह लीजिए कोई फिलिपिनो क्रिश्चियन फैमिली है, तो उनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। तो बच्चा वो जिस घर में पैदा हुआ वो वैल्यूज़ को भी कीप रखेगा, मगर उसके साथ साथ वो जो उसके पीयर्स का एक ज़िंदगी का स्टाइल है वो उसमें ढलेगा आहिस्ता। और बच्चा हमसे ज़्यादा समझदार होता है, ख़ासतौर पर जूँ जूँ वो उम्र में आगे बढ़ता है, वो फिर अपने आप को खुद ही एडजस्ट करता है कि कितना उसने इस कल्चर
की अच्छी वैल्यूज़ को लेना है जो वो इनहेरिट कर रहा है, और कितनी इस कल्चर की ऐसी वैल्यूज़ को छोड़ना है जो वो इनहेरिट कर रहा है जो वो सूट नहीं कर रही इस मुआशरे के साथ, या दूसरे लफ्ज़ों में यूनिवर्सल वैल्यूज़ के साथ। तो हम चूँकि इस बहस में होते हैं कि अपने ईस्टर्न बच्चे को वेस्टर्नर नहीं होने देना, अब ये नहीं सोचते कि वेस्टर्नर्स कंट्री में हम अपनी चॉइस से आए हैं, और वेस्टर्नर्स बहुत सारी वैल्यूज़ बहुत अच्छी भी हैं। अगर चंद एक वैल्यूज़ हमारे कल्चर से वो लगा नहीं खाती तो वो बच्चा खुद ही एडजस्ट कर लेता है अगर हम उसको फ्रीडम दें तो। हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम हर जनरेशन को दूसरी जनरेशन से ये शिकायत होता है कि हमारी से बड़े जो हैं वो हमारी बात को नहीं समझते, लेकिन बड़ों को ही मूव होना पड़ता है इवेंचुअली, क्योंकि बच्चे पानी का फ्लो अपना रास्ता खुद ही तलाश कर लेता है। अभी हमने बात की मीडिया के रोल के ऊपर और मीडिया के साथ साथ इंटीग्रेशन के ऊपर। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दोबारा पॉलिटिक्स के ऊपर। तो चलिए चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। पंडित विजय राम, अ फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड साइकिक हीलर, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, होरोस्कोप। पंडित विजय राम का कहना है इनके पास आपकी तमाम समस्याओं का हल है। काले जादू का तोड़, आपका महबूब आपके कदमों में, आपकी मैरिज, जॉब, कारोबार, बीमारी और कोर्ट कचहरी समेत तमाम समस्याओं का हल। तमाम धर्मों के बहन भाइयों की मुश्किलात दूर कर सकते हैं। ऑल रिलीजियंस वेलकम। पंडित विजय राम से राब्ता कीजिए 6473912133, 6473912133। एड्रेस 5330 यंग स्ट्रीट, नॉर्थ यॉर्क, टोरंटो। वेलकम बैक टू कम्युनिटी डिबेट। मैं हूं आपकी होस्ट रलीमा सादिया। बात कर रहे थे मीडिया पे, अब हम मीडिया से थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिकल सिनेरियो में इस वक्त ओंटारियो लिबरल जो हैं उनके अंदर लीडरशिप रेस चल रही है, और उसके साथ साथ कंजर्वेटिव्स की भी रेस है इस वक्त लीडरशिप की। इस सिलसिले में गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले इरफान मलिक साहब, आपसे बात करेंगे, आप अपने इजहार राय कीजिए कि आप क्या समझते हैं इस पूरे सिनेरियो का। देखें जी, अभी जो मैंने बड़ी साथ साथ रहा हूँ, लिबरल जो प्रोविंशियल लीडरशिप रेस हो रही है उसमें, और उसमें हमारी कम्युनिटी बड़ी एक्टिव है। अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि बड़ी एक्टिव है, उसका मतलब ये है कि जितने पॉसिबल कैंडिडेट हमारी कम्युनिटी में हो सकते हैं लिबरल, क्योंकि हर जगह ओपनिंग है, हर जगह ओपनिंग है, कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ बड़ी कम सीट है, 6 के अलावा सब ओपनिंग है। अब मैंने ये जो महसूस किया कि वो लीडर जो लीडरों के साथ जो चलते हैं, पहली बात तो यह है कि अनफॉर्चुनेटली ये है कि एक भेड़ चाल वाला समा हो जाता है कि एक बंदा उस एक लीडर की तरफ गया तो दूसरा उसका मुखालिफ भी उसी लीडर के पास। खैर वो एक अलग उनकी अपनी चॉइस है, मैं उस पर नहीं बात करता, लेकिन मैंने ये देखा कि हर बंदा, बहुत सारे बंदे उसमें से आते थे जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे और एक ही राइडिंग के बंदे बाजवा थे, तो वो सब ने मिल के वो लीडरशिप की रेस में हिस्सा लिया। और मेरा ख्याल है डेलडुका जो हैं वो शायद इलेक्ट हो जाएंगे, बल्कि हो ही चुके हैं इलेक्ट। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात अनफॉर्चुनेटली है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पार्टी का लीडर जिसके लिए हमने काम किया है वो हमें अपॉइंट करेगा, उस वो हमें एक लेटर दे देगा कि जी आपने इस सीट से इलेक्शन लड़ना है, इस सीट से लड़ना है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कंसेप्शन सही है। नॉमिनेशन होनी चाहिए विद इन पार्टी, नॉमिनेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, खा वो 10 पाकिस्तानी वहाँ इकट्ठे हों, खा वो 5 इकट्ठे हों, खा वो पाकिस्तानी हो या ना हो, लेकिन नॉमिनेशन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा लिबरल के हवाले से कि चूंकि अब लिबरल की अब देख रहे हैं कि रेस हो रही है और लिबरल में नॉमिनेशंस होंगी,
और उसमें बहुत सारी राइडिंग ऐसी हैं, जैसे स्ट्रीट्सविल ले लें आप, एरन मिल्स ले लें आप, सेंटर ले लें आप, ब्रैम्पटन की कुछ ले लें, कुछ और राइडिंग्स ऐसी हैं, पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी के वाले से बात करूँगा, वहाँ को ऐसा मैकेनिज़म होना चाहिए कि विद इन कम्युनिटी एक कंसेंसस हो कि जी इस बंदे ने, ये बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया है, और काम की भी डिफाइन होना चाहिए कि क्या काम हो कि जिसमें आप ये समझें कि आप एमपीपी बन सकते हैं। मतलब मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं एमपीपी बन सकूं कि मेरा तमाम तर कम्युनिटी में घूमने के बावजूद मेरा, मैं समझता हूँ कि वेलफेयर के कामों में या दूसरे कामों में ये चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, और विद इन कम्युनिटी एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए कि यार ये बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया है और ये इस बंदे को एमपीपी इस हल्के से बनना चाहिए, और सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है एक ड्रीम है, एक यूटोपिया समझ लें, एक मेरे जहन में तखय्युल है और ये कभी पूरा नहीं होगा शायद, लेकिन एक बंदे के पीछे हम खड़े हों, नंबर एक बात है। नंबर दो बात यह है कि जहाँ कंजर्वेटिव की लीडरशिप की बात आती है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को तीनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनके अंदर हिस्सा लेना चाहिए, और हिस्सा लेना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी करें, पार्टी के रैंक्स जो हैं, पार्टी के जो लेवल हैं उनके अंदर भी जाना चाहिए। जब आप एक फर्ज करें कंजर्वेटिव पार्टी है, अगर आप मिसेस सागा का उसका को पाकिस्तानी हेड है तो वहाँ बैठ के वो बात कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने की तैयारी करते हैं। जहाँ तक NDP की बात रही, NDP की तो लीडरशिप आपको पता है, जगमीत सिंह ए वेरी यंग स्मार्ट बॉय फ्रॉम साउथ एशियन कम्युनिटी, और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी गोरे ने मुझे पूछा कि तुम क्यों इसको पसंद करते हो, ये तो NDP का। मैंने कहा नहीं, जिस एरिया का मैं रहने वाला हूँ ये उस एरिए का रहने वाला है, ये उस एरिए में, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ ये भी पंजाब का रहने वाला, और मुझे खुशी है कि मेरे कलर का बंदा, मेरे गांव का बंदा, मेरे शहर का बंदा जो है वो NDP को लीड कर रहा है, इट्स प्राइड ऑफ मी। तो मेरा ये ख्याल है कि मैकेनिज़म डेवलप करनी चाहिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को एज के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, और जो काम ज़रूरी है एक MPP बनने के लिए उस हिसाब से। इन्होंने बात की कि ज़रूरी है कि हमारे जो अवेयर ग्रास रूट पॉलिटिक्स के साथ, अवेयरनेस के साथ आप पॉलिटिकल प्रोसेस में से गुजर के और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चलें, तो जनरेशन गैप की हम बात कर रहे थे, क्या पॉलिटिक्स में भी जनरेशंस मैटर करती हैं, जनरेशन गैप मैटर करता है, आइडियोलॉजीज मैटर करती हैं, डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इस वक्त ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। देखिए मैं उस पर भी बात करूंगा जो जनरेशन गैप की आप पॉलिटिक्स में बात कर रही हैं। बुनियादी तौर पर मैं चूंकि ख़ुद एक पॉलिटिशियन हूं, मैंने इलेक्शन भी लड़ा, तो इसलिए मेरा पहले तो इतराफ़ करना बनता है कि भाई मैं इसमें ख़ुद एक पार्टी हूं, ख़ुद एक स्टेक होल्डर हूं। जब भी कनाडा की पॉलिटिक्स की बात हो, उसमें चाहे आपकी बैकग्राउंड किसी भी डायस्पोरा से हो, आप कहीं से भी माइग्रेट किए हुए हों, लेकिन जब कनाडा में हम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे तो हमें कैनेडियन मैटर्स को और कैनेडियन एस्पिरेशंस को ही पेशे नज़र रखना होगा। मैं इस किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट जो हो यहाँ का, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, चाहे हत्ता कि म्यूनसिपैलिटीज़ में हो, सिटी काउंसलर्स हों, किसी का ये मुझे बिहेव इस तरह करना अच्छा नहीं लगता जब वो अपनी सो कॉल्ड किसी डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करने लग पड़े, क्योंकि ये कनाडा की पॉलिटिक्स है, ये कैनेडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कोई भारत के, पाकिस्तान के, इराक के इंस्टीट्यूट नहीं हैं। हमें जब भी मौका मिले पार्टिसिपेट करने का या इवन इलेक्ट होके सर्व करने का, तो हमें ये बात फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रखनी है कि ये कैनेडियन इश्यूज हैं। अगर हम अपने अपने बैक होम के इश्यूज इसमें लाएंगे तो फिर एक्सपेक्ट करें कि दूसरे भी मेंबर पार्लियामेंटेरियंस अपने अपने ओरिजिन के बैक होम के इश्यूज लाएंगे, फिर एक क्लैश यहाँ पे जन्म लेगा। तो चाहे आप उस सियासत में हिस्सा लें, चाहे आप सियासी पार्टियों में एक्टिव हों, ये बात तय करना ज़रूरी है। इस पर मेरा हमेशा से जोर रहा है, मैं आज भी जोर दूंगा कि आपने बिहेव करना है एज कैनेडियन, ओनली कैनेडियन।
That's very true. ठीक है, very true. अगर आपने कुछ और किया इसका मतलब है कि फिर आप जो है ना वो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे क्लैश कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है कि आप कैनेडियन पॉलिटिक्स में अपने बैक होम के इंटरेस्ट घुसा रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग इमिग्रेंट्स आते हैं उनकी लॉयल्टीज होती हैं अपने अपने बैकग्राउंड के साथ, लेकिन जब आपको प्रायोरिटाइज करना होता है तो लीडरशिप का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट ही ये होता है कि आप प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हैं. दैट शोज योर इंटीग्रिटी ऑल्सो. अब आपने सॉरी मैं सबसे एक मिनट लूंगा. हलीमा ने वो जनरेशनल गैप की बात की. जी. हमारे यंग लोग भी कुछ जो यहाँ ग्रूम अप थे पॉलिटिक्स में आए, एक दो कामयाब होकर मेंबर पार्लियामेंटेरियंस में बैठे हुए हैं, मेरा उनसे यही गिला होता है. ठीक है, हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है. मैं नाम लेता हूँ एमपी इकरा खालिद साहब. मेरा उनसे यही गिला होता है कि आप कैनेडियन इश्यूज पे फोकस करें. आप यहाँ पे बैठ के कश्मीर, यहाँ पे बैठ के आप इस्लामोफोबिया का ना करें. ये हमारा एक पोलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनके साथ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक यंग बंदे से हम कर रहे हैं तो उसको फिर वो भी बंदा और कम्युनिटी के दूसरे बंदे भी क्लैश ले लेते हैं. तो ये तो कैनेडियन वैल्यू ना हुई. कैनेडियन वैल्यू तो ये है कि बात होगी. अगर आप आए हैं पॉलिटिक्स में तो बात होगी. मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मेरे खिलाफ़ पता नहीं कितनी बातें हुई हैं, तो मुझे सुननी है वो बातें, जवाब भी देना है. तो मेरा ये ख्याल है कि हमें चाहे यंग हों चाहे हम हमारी वाली जनरेशन के लोग कनाडा की पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हों उन्हें ये बात तय करनी होगी कि हमें कैनेडियन वैल्यूज़ पर कैनेडियन पॉलिटिक्स करनी है, ना कि अपनी टर्म्स पे कैनेडियन पॉलिटिक्स करनी है. जी आप कुछ कहना. जी मैं बिल्कुल तायर भाई की बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जो कि अब एक स्पेसिफिक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट का इकरा खालिद का नाम आया और शी हैज़ बीन इलेक्टेड ट्वाइस, शी इज़ अ वेरी यंग लायर एंड सही रिप्रेजेंटेशन मैं समझता हूँ कम्युनिटी की है. बात यह है कि हम लोग इश्यूज़ को मेंबर पार्लियामेंट्स के सर के ऊपर मारते हैं. मसलन मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यह है कि जी अब कश्मीर के इशू पे फ़र्ज़ करें आप, मैं कहता हूँ कि जी कश्मीर के इशू पे तीन पाकिस्तानी जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं प्रोविंशियल, वो कश्मीर के इशू पे बोलें. वो किस तरह कश्मीर के इशू पे बोले मुझे बताएं, क्योंकि वो तो कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट है ना. अब जिस तरह इन्होंने इकरा खालिद की बात की, इकरा खालिद की राइडिंग में आपको पता है कि 110,000 वोटर्स हैं. मैं उसमें राइडिंग में रहता हूँ, उसमें से सिर्फ 12,000 पाकिस्तानी वोट. ठीक है, अगर इकरा खालिद को जीतना है तो उसको तमाम कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा, और वो साथ लेके चल रही हैं. शी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्रीवियस टर्म. अभी उनकी टीम में जाकर मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि तमाम यंग बंदे हैं. उन्होंने जो है चाइनीज़ कम्युनिटी हो, दूसरी कम्युनिटी हो, अरब कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उन्होंने साथ लेके चला. ये जनरेशन गैप का जो मसला आता है वो यही आता है पॉलिटिक्स में. हम बार बार, मैं भी ताहिर भाई भी जब बैठते हैं, आप भी जब बैठती हैं, तो हम यही बात करते हैं कि अनलेस एंड अनटिल हम अपनी नई जनरेशन को सामने नहीं लाएंगे उस तरह. मतलब एक बात अपने शुरू पर प्रोग्राम में बात हुई, मुझे याद है कि जब मैं लड़का था 50 साल पहले की बात है, तो मुझे फिल्म देखने की इजाज़त नहीं थी. लेकिन मैं क्या करता था, मैं घर से निकलता था साइकिल लेके, किताबें जब अब्बू अपने दोस्तों के साथ पढ़ने जा रहा, आधी फिल्म उस वक्त देखते थे, आधी बाद में देखते. सो मेरा मतलब उतनी सख्ती के बावजूद हम करते थे. अब मैं किस तरह अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की किसे रोक सकता हूँ, या उनके पॉलिटिकल नज़रियात को मैं क्यों दबाऊँ. तो ये यंग जनरेशन जब तक सामने नहीं आएगी, ये जनरेशन गैप रहेंगे. अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी यंग जनरेशन को इनक्रेज नहीं कर रहे, हमें उनको इनक्रेज करना चाहिए. जो लोग प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं रखते, क्वालिफिकेशन में एक चीज़ अंग्रेज़ी में कन्वे करना भी है, क्वालिफिकेशन में अच्छे लिबास पहनना भी है, क्वालिफिकेशन में ये भी देखा जाना ज़रूरी है कि मेरे अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं किस किस कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल हूँ, किस किस कम्युनिटी के साथ मेरे हैं. मैं 12,000 पाकिस्तानी वोट्स पर 1,10,000 वोटर को कुर्बान नहीं कर सकता. मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी का वोट चाहिए, लेकिन मुझे वहाँ से भी कुछ 40-50 हज़ार वोट दूसरी कम्युनिटीज़ की भी चाहिए. अब वो कैसे लेंगे, वो बंदा कर सकता है जिसका जेहन थोड़ा खुला हो.
जो यंग जनरेशन से जो कन्वे कर सके, जो उनके मसाइल सुन सके, जो मेरे मसाइल सुन उनको कन्वे कर सके, तो ये जनरेशन गैप को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आप दोनों हजरात का आज के इस प्रोग्राम में आने का और अपने व्यूज़ शेयर करने का बहुत शुक्रिया। हम कैनेडा में रहते हैं और ये 21st सेंचुरी है। एज इज़ नॉट बाय द नंबर्स, एज इज़ बाय योर थॉट प्रोसेस। जैसे कंप्यूटर को अपग्रेड किया जाता है, वैसे ही कैनेडियन सोसाइटी ने ये साबित किया है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आप अपने दिमाग की सोच को खोल के बहुत सारे रास्ते लेके ताज़ा हवा के साथ इस सोसाइटी में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैलेंज लेना पड़ेगा। कम्युनिटी के मिसाइल होते रहेंगे, जनरेशन गैप्स चलते रहेंगे, अपग्रेडिंग ज़रूरी है। इन तमाम मसाइल को हम हमेशा शामिल करते रहेंगे। आज का हमारा ये प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।